नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रभु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द इंग्लिश ट्रांसफॉर्मर की एक जबरदस्त सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन प्रयास करते हैं इंपॉर्टेंटली हमारे एग्जामिनेशन सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सारे एग्जाम्स को एक मुख्य रूप से कवर कर पाए, और जहां हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करते चले आ रहे हैं। दिन है 12वां और कहीं ना कहीं चीजों को एक इंपॉर्टेंट दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे हैं भाई सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं आज के इस तापड़तोड़ बेहतरीन सेशन को। बहुत खास सेशन होने वाला है, तो बस आपसे गुजारिश होगी सेशन को अंत तक अटेंड जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश होगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार सभी लोग जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करें, अपने सभी दोस्तों, महानुभाव, साथी जो भी हैं सबके साथ मेरे भाई शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा, और अटेंडेंस लगा दो जरा जल्दी से लाइक्स के रूप में। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए चलिए भाई, जल्दी जल्दी से सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। गुड मॉर्निंग अरविंद, मनीषा, मोहम्मद, तबीश, है ना, दीपक, गुड मॉर्निंग, करिश्मा, दीक्षा, शीतला, अनुषा, है ना, सभी लोग आ जाओ फटाफट फटाफट से, और जल्दी से सभी लोग एक अटेंडेंस का आगाज करेंगे। एंड लेट्स हिट इट हार्ड, अमेजिंग सेशन, मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू तुषार फॉर आस्किंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का कोट बड़ा ही कमाल का है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव डेडिकेशन एंड प्राइड एंड नेवर क्विट, यू विल बी अ विनर। द प्राइस ऑफ विक्ट्री इज हाई बट सो आर द रिवॉर्ड्स। कहने का मतलब क्या, जब हम खुद में भरोसा करते हैं, किसी चीज के प्रति डेडिकेशन शो करते हैं और एक विश्वास रखते हैं क्विट नहीं करना है, तो हमें एक विनर कहा जाएगा। और जो जीत के लिए कीमत चुकाई जाती है मुख्य रूप से इज हाई, मानता हूं मैं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बदले जो रिवॉर्ड्स हैं वो ताबड़तोड़ वो भी है। तो आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कल के लिए आप अपना भविष्य, बोलते हैं ना हर इंसान अपने भविष्य का खुद निर्माण करता है, और जब हम अपने भविष्य का निर्माण करता खुद ही हैं, तो फिर किसी चीज से डरने की क्या जरूरत है, सीधे आगाज करना है। हैं भाई क्या कहते हो? आइए आगाज किया जाए आज के इस बेहतरीन ताबड़तोड़ सेशन का, शुरू करें। तो बोलो भैया बांके बिहारी लाल की जय। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स मूव अहेड। सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप सब लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। द इंग्लिश ट्रांसफॉर्मर डे 12। आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन एवरीबॉडी? सभी लोग तैयार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो चलो शुरू करें। आज सर एकदम मतलब शादी वादी का माहौल चल रहा है। हेल्थ ठीक है पहले से, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट इट डन, और कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान बस ऐसा ना हो कि छुट्टी लेना पड़ जाए, है ना। But still, let me go through it verbally, importantly, amazingly. चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इंपॉर्टेंटली सभी लोग आई थिंक आ ही चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एवरीबॉडी, नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड आर्म, द कोल्ड एल्बो, द कोल्ड शोल्डर, या फिर द कोल्ड हैंड, क्या हो सकता है तुरंत बताइएगा। डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक हॉट वाटर व्हाइल स्पीकिंग, जिससे क्या है बार बार थिंग्स विल नॉट वर्क, सो आई होप यू कैन मैनेज। चलिए भाई क्या होगा? मुझे लग रहा है ये कुछ ईडीएम जैसा है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी है, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब इग्नोर करने से संबंधित है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द कोल्ड शोल्डर, इट शुड बी द राइट वन, है ना, यही इकलौता है जो सही होगा, द कोल्ड शोल्डर, दिस इज द ओनली राइट वन, क्या कहते हो, इजंट इट सो। चलिए मुंडेन शब्द का एंटोनिम बताएं, मुंडेन शब्द का एंटोनिम क्या होगा, तुरंत बताने की कोशिश सभी लोग करें, कम ऑन, इट्स MUNDANE, मुंडेन, काफी कॉमन वर्ड है, इंसिपिड, डल, एक्साइटिंग, लॉजिकल, एंटोनिम बताएं, कम ऑन गाइस तुरंत बताएं, what is the right antonym for the word? चलिए गाइस टाइम्स अप। सो इट्स MUNDANE, मुंडेन, मुंडेन का मतलब सांसारिक, सांसारिक बोले तो वर्ल्डली, वर्ल्डली चीजों को कहा जाता है विच आर कॉमनली अवेलेबल, यानी कॉमन, सामान्य जिन्हें कहते हैं, है ना, तो सामान्य यानी डल और इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, टेस्टलेस, है ना, डल, मंद, बोरिंग, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग, तो द राइट आंसर फॉर मुंडेन, क्योंकि ये चीज कॉमन ही है,
लॉजिकल होगा नहीं तो द राइट आंसर इज सी ओनली. क्या कहते हो सभी लोग? द राइट आंसर इज सी ओनली. एंटोनिम है. यस एंटोनिम बताने का है भैया 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 एंटोनिम बताने का है भैया. ठीक है ना भैया? कोनो दिक्कत ना ही भैया. तो समस्या का समाधान यही मिलेगा हर चीज का. ठीक है ना? तो गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है भैया. आगे बढ़े. नेक्स्ट कम ऑन. अच्छा अरे बाप रे, एक एक लाइन गायब हो गई है. कुछ खाली रह गया. कोई बात नहीं, एरर बताएंगे. कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड जैम? कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार? बताओ भैया, तुरंत आंसर दें. कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन. एरर बताना है. इट्स एरर टाइम. अब देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन एवरीवन. क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे तो सही रूप से आंसर भी मिलेगा. कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड? सबसे पहले ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है. तो उसे काउंट करने के लिए उसके साथ कुछ टर्म यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ यूज किया अ लोफ ऑफ. राइट, ठीक वैसे ही जैम को भी आप काउंट नहीं करेंगे. उसे काउंट करने के लिए जैसे जार यहाँ बोला है, अब जैम जार नहीं होता, अ जार ऑफ जैम. तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, अ जार ऑफ जैम. समझ गए सब लोग? तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, अ जैम जार नहीं बोलेंगे. अ जार ऑफ जैम विल बी द राइट वे टू राइट इट लाइक, है ना? अ जार ऑफ जैम विल बी द राइट वे टू राइट इट लाइक. क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई बात? बहुत ईजी है, स्पेसिफिक है. नेक्स्ट, काफी कमाल का शब्द है क्यूपिडिटी. क्यूपिड, क्यूपिड शब्द आपने एक कोई गाना आया था मुझे ऐसा लगता है, ए दिल है मुश्किल, उसमें था शायद. तो क्यूपिड शब्द जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? और क्यूपिडिटी जिसे बोलते हैं मुख्य रूप से. तो क्यूपिडिटी क्या है जरा देखिए, है ना? क्यूपिडिटी क्या है? फियर, फ्रेंडशिप, ग्रीड या लव? फियर, फ्रेंडशिप, ग्रीड या लव, क्यूपिडिटी. तो इसको बनाया गया है क्यूपिडिटी से, तो ग्रीड फॉर मनी. आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एवराइज, याद आ रहा है? तो फियर नहीं होगा, फ्रेंडशिप तो बिल्कुल नहीं होगा. आंसर हुआ ग्रीड. ग्रीड बोले तो लालच. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ग्रीड इज द ओनली राइट ऑप्शन वी शुड चूज ओवर. ठीक है, कोई इशू नहीं है दोस्तों. बढ़िया, कमाल, थैंक यू, मजे. वॉलंटरली, ध्यान दीजिएगा, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन अ फेवर ऑफ हिज सन. यहाँ किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है. किसी शासक के द्वारा स्वेच्छा से अपने जो साम्राज्य, या मैं बोल सकता हूँ अपनी उपाधि का त्याग करके अपने बेटे को दे देना. एबडिकेशन, रिसरेक्शन, असेशन या फिर रिनन्सिएशन. तुरंत आंसर दें. कम ऑन. एबडिकेशन, रिसरेक्शन, असेशन या फिर रिनन्सिएशन. तो देखिए, एब्डिकेशन कहा जाता है त्याग करना, रिसरेक्शन तो वापस से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना, एसेशन पहुंच, रिनन्सिएशन त्याग. तो आंसर के रूप में एब्डिकेशन ही है जो एक सही आंसर हो सकता है. आंसर के रूप में एब्डिकेशन ही है जो एक सही आंसर के रूप में यहाँ पर उभर सकता है और उभरता है. तो खास तौर से ध्यान रखने की कोशिश करें सभी विद्यार्थी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हम सभी लोगों के लिए आने वाले एग्जामिनेशन में. अंडरस्टूड गाइस? दैट्स रियली ग्रेट. लेट्स मूव ऑन. रेनन्सिएशन कैसे लगा दिया भैया? कौन लगा रहा है ये रेनन्सिएशन? गड़बड़ कर रहे हो तुम रे बाबा. रेनाउन से ही बना है रेनन्सिएशन. चलिए, एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग. अच्छा क्वेश्चन है. ओवरसी की जगह इन तीनों में से कुछ आएगा या नो इम्प्रूवमेंट? ठीक है, एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी, पैसे को मतलब किस तरीके से हैंडल करना है, इसमें शिक्षा. वुड इम्प्लाई, ये लागू करता है एबिलिटी टू, किस चीज की? ओवरसी यानी बहुत अधिक देखना जरूरत से ज्यादा, या फॉरसी ओवरलुक अनदेखा करना.
तो अनदेखा तो करेंगे नहीं कॉन्सिक्वेंसेस, ओवर वैल्यू भी नेगेटिव है, इवन ओवर सी भी नेगेटिव है, तो भैया कॉन्सिक्वेंसेस तो भविष्य में ही दिखेंगे, तो फॉरसी होगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस तो भविष्य में ही दिखेंगे, तो रिजल्ट्स ऑफ भविष्य की बात की जा रही है, बोलो हाँ या ना, रिजल्ट्स ऑफ भविष्य की बात की जा रही है, बोलो हाँ या ना, तो ओवर सी इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो द राइट आंसर इज फॉर सी ओनली, व्हाट डू यू गाइस थिंक, है ना, तो सही जवाब क्या हो जाता है, दैट इज फॉर सी, सही जवाब क्या हो जाता है, फॉर सी, ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन, ग्रीड का एंटोनिम बताएं, इजी है, अनसेल्फिशनेस, एकदम एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है ना, ग्रीड, अनसेल्फिशनेस, इवेड, अवॉइड, हाइड, बताएं जरा, छुपाना, देखो ग्रीड लालच, अवॉइड अनदेखा करना, इवेड जी चुराना, आंसर क्या होगा, अनसेल्फिशनेस, द राइट आंसर इज अनसेल्फिशनेस, है ना, क्योंकि ग्रीड माने सेल्फिशनेस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, अनसेल्फिशनेस, है ना, अनसेल्फिशनेस, ठीक है ना, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट, है ना, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कम ऑन, नोट दैट आई एम बैक एट वर्क, अच्छा, नोट दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर, ओके, बताइए जरा इस सेंटेंस में, वो नोट टी वहां गायब है, कोई बात नहीं, फटाफट से बताएं, टाइम्स अप, क्या हो सकता है, तुरंत बताइए, अब देखिए, अब आई एम बैक है मतलब प्रेजेंट में बात चल रही है, अब वो बोल रहा है ना पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो आई हैव बिगिन से अच्छा आई एम बिगिनिंग, या तो आई हैव बिगिन ही सही है, हाँ बिगिनिंग नहीं, आई एम बैक एट वर्क, आई हैव बिगिन टू फील मच बेटर, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आप यहाँ कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट भी, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या बोल रहा है, अच्छा हैव को एम में बदलना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बिगिनिंग को बिगन में भी बदल सकते हैं, ये मतलब यू कैन यूज कंटिन्यूस एंड परफेक्ट में से जो भी आपको ठीक लगे, बोथ हैव द अप्रोप्रिएट आंसर हियर, ठीक है, बोथ हैव द अप्रोप्रिएट आंसर हियर, क्लियर, नो इश्यूज एवरीवन, नेक्स्ट कम ऑन, करेक्ट स्पेलिंग तुरंत बताएं फटाफट से, द राइट स्पेलिंग हियर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए, अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग कुछ शब्द हैं, यहाँ लिखा है कैप्रेशियस, ऑस्पिशियस, फलिशियस, डिलीशियस, तो सबसे पहले ऑस्पिशियस शब्द की स्पेलिंग ठीक है, कैप्रीशियस इट्स अ काइंड ऑफ सनक, मतलब ऑड हैबिट्स अचानक से पलट जाना, फलिशियस है ना, फलिशियस शब्द की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत है, डिलीशियस आप जानते हैं, तो आंसर के रूप में आप देख सकते हैं इट्स फलिशियस होता है, भ्रम एक प्रकार से फॉलेसी से ही बना है ये भी, है ना, ठीक है ना, तो इस चीज का खास ध्यान रखने की कोशिश करें एग्जामिनेशन में, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, मोनोगेमी, बायगेमी, पॉलीगेमी, मैट्रिमोनी, तुरंत बताइए भाई जल्दी से, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो मोनोगेमी एक शादी, बायगेमी दो शादी, मैट्रिमोनी सिर्फ शादी, आंसर इज पॉलीगेमी, ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, है ना,
क्लियर, तो इस चीज का खास ध्यान रखने की कोशिश करें एवरीबडी। नेक्स्ट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, देखो जरा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, देखो जरा, इसका वॉइस चेंज करना है एवरीवन। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, योर ऑफर कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, योर ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मी, तुरंत बताओ, टाइम्स अप, फटाफट से देखें क्या हो सकता है द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एवरीबॉडी। न्यूज़पेपर रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, तो इंटरेस्टिंग न्यूज जो अच्छी लगती है वो पहले पढ़ो, स्पोर्ट्स पेज से शुरू करो, आई थिंक दैट विल गिव यू विंग्स, है ना। चलिए, तो सबसे पहले टेंस चेंज नहीं होता, तो यहाँ टेंस चेंज हुआ है, यहाँ चेंज हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से क्या होगा, तो देखो यहाँ तक तो ठीक था लेकिन ये अधूरा है, बाई मी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, तो आंसर सी होगा, आंसर शुड बी सी ओनली। जल्दी जल्दी में जो लोग बी लगाएंगे वे गलत हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी में जो आंसर बी लगाएंगे वे गलत हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखें एग्जामिनेशन में एवरीबॉडी। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन एंग्री फ्रस्ट्रेटेड कॉम्पिटिटर्स एनिमीज, एंग्री फ्रस्ट्रेटेड कॉम्पिटिटर्स एनिमीज, बताइए जरा, एट डैगर्स ड्रॉन तुरंत देखिए सभी लोग, एट डैगर्स ड्रॉन क्या हो सकता है, तो देखिए बहुत कॉमनली यूज्ड मैं कहूंगा ईडीएम है ये, सी एच एस एल एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, इसका मतलब दुश्मनी होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, जो लोग सोच रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड एज एन ऑप्शन आप लोग यहाँ पिक करोगे तो दैट वोंट बी द राइट आंसर, ठीक है, दैट वोंट बी द राइट आंसर, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आप सभी लोगों को इन योर एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, है ना, इन योर एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली सभी लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्लाइट का एंटोनिम बताओ, स्लाइट का एंटोनिम तुरंत देखो जरा, व्हाट इज द राइट एंटोनिम फॉर द वर्ड स्लाइट, पाल्ट्री ट्रिफलिंग कंसीडरेबल माइनर, चलिए चलिए कम ऑन गाइस, एवरीवन लुक एट दैट, फटाफट से देखें और तुरंत बताएं क्या हो सकता है सही जवाब, फटाफट से देखें और तुरंत बताएं क्या हो सकता है सही जवाब एवरीवन। तो स्लाइट मतलब तुच्छ, तो तुच्छ देखो यहाँ लिखा है पॉल्ट्री, ट्रिफलिंग भी कम, माइनर भी कम, आंसर होगा एंटोनिम में कंसीडरेबल, कि हाँ भाई कुछ इतना तो है एटलीस्ट, है ना, कुछ इतना तो है एटलीस्ट, तो इस चीज का ध्यान रखने की कोशिश करें आप सभी लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड यस ऑफकोर्स इट्स नेसेसरी टू। नेक्स्ट, राजेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें क्या हो सकता है, तो ट्री के, है ना, शेड में यानी आश्रय में सामने वाला आराम करेगा चलने से पहले, उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, तो ले शब्द यहां पर प्रयोग किया जाएगा मुख्य रूप से, ले इज अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है, आराम करने के लिए,
है ना, अगर हम बात करें, क्योंकि देखो लाई माने एक तो झूठ बोलना होता है ना, लाई माने एक तो झूठ बोलना होता है, एक किसी जगह पर ठहर जाना, रुक जाना भी होता है, तो मुख्य रूप से उसकी सेकंड फॉर्म ले हो जाती है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लाई की सेकंड फॉर्म ले हो जाएगी, ये झूठ बोलने वाला हो गया है ना, और ये थर्ड फॉर्म है, तो आंसर शुड बी दिस ओनली। क्लियर, ध्यान रखना। ज्वेलर, लिवरेरिच, कन्विंसिबल, डिशेवल्ड, वो कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग ठीक है, तुरंत बताओ। हाँ चलिए चलिए गाइस, एवरीबॉडी टाइम्स अप हो चुका है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें, कम ऑन, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन एवरीबॉडी, है ना, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। अब देखिए अमेरिकन इंग्लिश में अगर आप ज्वेलर की स्पेलिंग देखोगे या ज्वेलरी की स्पेलिंग, ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, तो उसमें सिंगल एल मिलेगा है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, स्पेशली आंसर हो जाता है ज्वेलर, यही है। लीवरेज होता है, ये हम लोग एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं, लीवरेज। कन्विंस केबल नहीं होगा, कन्विंसिबल होगा, डिशेवल्ड की स्पेलिंग गलत है, तो देखिए भैया कन्विंसिबल, कन्विंस करने लायक, डिशेवल्ड और लीवरेज आप जानते ही हैं, ठीक है, तो खास तौर से इन शब्दों का ध्यान रखें, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक हैं ये, है ना, खास तौर से इन शब्दों का ध्यान रखें, दे आर एग्जामिनेशन स्पेसिफिक। डिशेवल्ड बोले तो बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनटाइडी, अनअरेंज्ड, है ना, व्हेन थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड दे आर कॉल्ड डिशेवल्ड, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। जेनेटर शब्द का सिनेनिम बताएं, जेनेटर शब्द का सिनेनिम तुरंत बताने की कोशिश करें, जेनेटर, कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली ग्रेट फ्रॉम एवरीबॉडीज एंड। जेनेटर किसे बोलते हैं, कस्टडियन, रिसेंटफुल, जुबिलेंट, एक्सल्टेंट, कम ऑन, जेनेटर शब्द का सिनेनिम, जेनेटर शब्द का सिनेनिम, सो इट्स कॉल्ड कस्टडियन, जो देख रेख करता है, जुबिलेंट हर्षोल्लास में जो है, एक्सल्टेंट ये भी फुल ऑफ एनर्जी है ना मुख्य रूप से, है ना, फुल ऑफ हैप्पीनेस जिसे कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति, हाँ यस वेरी गुड। रिसेंटफुल का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा एंग्री कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति से, एंग्री होना रिसेंटफुल है ना, तो आंसर यहाँ पर कस्टडियन ही हो जाएगा, वन हु टेक्स केयर, और आई थिंक है ना जो कस्टडी लेता है किसी की, ठीक है, शब्दों का ध्यान रखें मुख्य रूप से, बहुत बढ़िया। लखपति विश्नोई, क्या बात है दोस्त, विवेक, नेहा, अरविंद, रवि, एवरीबॉडी, ठीक है दोस्तों, क्यूरेटर, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन वनीता, आगे बढ़े नेक्स्ट। पर्टेनिंग टू द वेस्ट, कोई चीज जो वेस्ट से संबंधित है, अच्छा शब्द है ये, है ना, ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, सेलेस्टियल, ओरिएंटल, टेरेस्ट्रियल या फिर ऑक्सीडेंटल। अब सेलेस्टियल क्या हो जाता है, हेवनली, ठीक है, ओरिएंटल, टेरेस्ट्रियल, तो देखो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर्टेनिंग टू द वेस्ट इज ऑक्सीडेंटल, है ना, जो पश्चिम से संबंधित है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को, कोई भी चीज है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल भी क्या होता है, अर्थ से संबंधित जो है, स्पेशली दिस इज रिलेटेड टू अर्थ ओनली, पर्टेनिंग टू अर्थ अगर होता, पर्टेनिंग टू अर्थ, है ना, चलिए आगे आ जाए। हिज राइटिंग्स आर ब्लैंक मिस्टेक्स, तुरंत देखें, तुरंत जवाब देने की कोशिश करें एवरीबॉडी, कम ऑन, पेड बैच में क्लास किसकी नहीं हो रही भाई, प्रदीप, सारे टेस्ट सीरीज हैं उसमें सुमित, है ना, सब सब एग्जाम स्पेसिफिक एसएससी से मिलेंगे, है ना दोस्त, बताइए। हिज राइटिंग्स आर ब्रॉडेड विथ मिस्टेक्स, बर्स्ट इन टू, रिप्लीट विथ, या बोस्टेड ऑफ। देखिए भाई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि तुक्का नहीं लगाना है,
और तुक्का यानी फ्लूक भी कब लगा सकते हो, व्हेन यू नो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, एटलीस्ट दो या तीन ऑप्शंस अगर पता है तब फ्लूक लगाना भी ठीक है। अब आप बिना एक भी वर्ड का मीनिंग जाने अगर आप तुक्का लगाओगे तो वो गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा आप लोग एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, ठीक है? अब एक एक करके जरा देखें। ब्रूडेड विथ का मतलब, ब्रूड ब्रूडेड शब्द जो होता है इसका मतलब एक प्रकार से वरिड ही होता है, चीजों के लिए चिंतित। बर्स्ट इनटू, बर्स्ट होना। अब राइटिंग्स में गलतियां हैं, बोलते हैं ना तुम्हारी कॉपी गलतियों से भरी हुई है, तो रिप्लीट विथ, भरा हुआ होना। बोस्टेड ऑफ, शेखी मारना, तो आंसर यहां पर ही होगा। इसको एग्जेजरेट भी बोल सकते हैं, तो रिप्लीट विथ इज द राइट आंसर। गॉट माई पॉइंट? रिप्लीट विथ इज द राइट आंसर। ब्रूडेड शब्द का यूज हम वरिड पॉइंट ऑफ व्यू पर करेंगे, क्लियर? नहीं, एमटीएस की क्लास हो रही है आज, टाइम से है, एक दो क्लास लेट शुरू होंगी, बाकी टाइम से है। अभी मैं टाइम टेबल और शेयर कर दूंगा, ठीक है? परेशान नहीं हो। कट अ सॉरी फिगर पढ़ चुके हैं, ये तुरंत बताओ। हाँ जी, कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब क्या होता है? किसी पर इंप्रेशन बहुत खराब देना। अब जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी से पहली बार मिलने गया, उसके लिए मान लो पानी लेकर सर्व करने गए, है ना, तो आप पहली बार में उस पर पानी उड़ेल दिए, तो बोलेगा भाई निपट गया सर, फिर हम बोलते हो सॉरी 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 गलती हो गई, तो पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया, है ना। द फर्स्ट इंप्रेशन सीम्स, है ना, डेड एट दैट मोमेंट, है ना। नेक्स्ट, स्प्राइटली का एंटोनिम बताएं तुरंत। कम ऑन एवरीबॉडी, देखिए भी स्प्राइटली मतलब स्फूर्ति, एनर्जी से भरा हुआ। तो देखिए स्प्राइटली इज एजाइल, क्विक को भी बोलेंगे। लाइवली इज फिल्ड विथ एनर्जी, एंथुसियास्टिक विथ एनर्जी, तो आंसर क्या हो गया? लाइफलेस। द राइट आंसर इज लाइफलेस। द राइट आंसर इज लाइफलेस कि भैया जिसके अंदर कोई भी प्रकार की ऊर्जा एनर्जी दिख ही नहीं रही है, एकदम व्यक्ति निकल चुका है ना। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। देखें जरा कितने लोग इसका आंसर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए भाई देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवश आई डिड नॉट पास, देखो इनकी जरूरत ही नहीं है, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ इतना, पास ओवर, ओवरकम कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, दैट्स वॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वी शुड चूज फ्रॉम हियर एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो खास तौर से ध्यान रखें इन चीजों का, एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपकी काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट, हां जी, हैंडकरचीफ, रुमाल की सही स्पेलिंग तुरंत बताइए। कमान, चलिए भाई टाइम्स अप हो चुका है। सबसे पहले देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है हैंकर, वैसे तो हैंकर होता है वो, पर ठीक है, इट्स हैंकर। हैंकर वर्ड मुझे, मैंने कहा याद आ रहा है तो बता दूं, हैंकर का मतलब होता है चाह, स्ट्रॉन्ग डिजायर। रूमाल वाली जो स्पेलिंग है वो चीफ, हैंडकरचीफ, ठीक है, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, ठीक है। चीफ की स्पेलिंग गलत है बी लगाने वाले लोगों। अब देखो यही होता है, अगर हम चीजों को पढ़ते नहीं है तो बी आंसर हम लोग इस तरी इसीलिए लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट, टू टेक टू टास्क, ईडियम का अर्थ बताएं। टू टेक टू टास्क, फॉरगेव हिम, स्लैप्ड हिम,
गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क, रेप्रिमेंडेड हिम, ही वॉज टेकन टू द टास्क. ये आजकल बहुत, मैं बोलूंगा, राइटिंग्स में, स्पेशली बोलचाल में बहुत यूज हो रहा है. टेक समवन टू द टास्क, बोलचाल में काफी इसका यूज हो रहा है. तो तुरंत आंसर देने की कोशिश करें आप सभी लोग, वॉट आंसर यू पीपल प्रिफर फ्रॉम हियर. टेक समवन टू द टास्क, टेक समवन टू द टास्क. सो इफ वी से टू टेक समवन टू द टास्क, इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी को मुख्य रूप से क्या करना, फटकार लगा देना, कुछ ना कुछ गलत कर दिया, है ना. तो टू टेक टू टास्क मतलब हो जाता है रेप्रिमेंडेड समवन, किसी को फटकार लगा देना. द राइट आंसर इज डी. ठीक है, किसी को फटकार लगा देना, द राइट आंसर इज डी. जस्ट कीप इन माइंड, है ना. हाँ, लपेटे में लेना, आओ मैं तुमको बताऊं. हाँ, जैसे घर में हमने कुछ कलेश कर दिया तो बस फिर लपेटे में लिया जाएगा. एक बार जल्दी से यार सभी लोग, जितने लोग हैं सेशन में, अटेंडेंस लगाओ यार. सर, लाइक्स इज इक्वल टू योर अटेंडेंस, कि तुम लोग इस सेशन को कितना ज्यादा सीरियसली अटेंड कर रहे हो. हैं भाई, कम ऑन एवरी वन, गो फॉर इट. तुम लोग ना सेशन को प्यार दोगे तो कौन देगा भैया. जस्ट बी विद इट यार, बी विद इट, कम ऑन एवरीबॉडी. एक बार दिल से सब लोग जल्दी से कर देंगे सेशन को लाइक, ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम तबाही तूफान. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े, बहुत अच्छे. तो लेट्स मूव अहेड, अगले पार्ट पर आ जाते हैं. द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड वॉट ही मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स. अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको मैं कहूंगा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेसिकली सीजीएल लेवल, और आई शुड से टीयर टू. द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक दैन पेंटर, ठीक है, डिस्ट्रॉयड वॉट ही मेड. अब देखो, जो 10 साल उसने के बनाया था, ड्यूरेशन आ रहा है, ड्यूरेशन यानी परफेक्ट, और ये मेड लिखा है सिर्फ यहां पर, दिस इज पास्ट सिंपल. तो वॉट ही हैड मेड, यानी ड्यूरेशन की वजह से परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट की बात हो चुकी है, अब आगे वो ड्यूरेशन को लेकर चल रहा है. जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं उसे 10 साल से जानता था, आई हैड नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, ठीक वैसे ही. तो यहां पर हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, ही हैड मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स, बिकॉज ये पास्ट का ड्यूरेशन शो कर रहा है. ये पास्ट का क्या शो कर रहा है प्यारे साथियों? ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन के तर्ज पर हमें ये सही जवाब यहां पर लेकर चलना है, ठीक है. तो खास तौर से ध्यान रखेंगे सभी लोग, फ्रिस्क, फ्रिस्क शब्द का सिनोनिम बताएं, द राइट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रिस्क. अब देखो, ब्रूड शब्द फिर आया, रोम्प, मेल्ट या फिर कुंजील. देखिए, शब्द हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग जब आंसर करें तो जो ऑप्शंस हैं उन पर भी हमारा ध्यान हो, क्योंकि उनमें से भी कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि भाई ये इसके अलावा पूछेगा ही नहीं, कि फ्रिस्क ही पूछेगा, है ना. तो हमें ये ध्यान रखना होता है. ब्रूड शब्द अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी चीज के बारे में चिंता करना, सोचना किसी चीज के बारे में. फ्रिस्क का मतलब होता है उछलना कूदना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को पता चले कि भाई सिलेक्शन हो गया तो झूम जाएगा. रोम्प का मतलब भी ये होता है, मेल्ट मतलब पिघलना, कंजील मतलब किसी चीज को सॉलिडिफाई करना यानी सॉलिड बनाना. तो आंसर के रूप में सही जवाब इज रोम्प, ROMP, दैट्स रोम्प. ठीक है ना, तो बढ़िया है, दैट्स आई थिंक इम्पोर्टेंटली डन फॉर एवरीबडी, सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट रूप से यहाँ पर जवाब का कार्य करता है ये, ठीक है. नो इश्यूज, आगे बढ़े, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, है ना. जितना हम लोग चीजों को ग्रैब करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा, है ना. मेरा टारगेट है इस बार CGL और स्पेशल, मैं सोच रहा हूँ ना कुछ स्पेशल बैच आप लोगों के लिए रहेगा उसका. आई हैव प्लान समथिंग, बिकॉज आई बिलीव कि इस बार CGL हम लोग और शिद्दत से कैरी करेंगे, और भरोसा तो जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट हो ही गया है आप लोगों का. एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे छोटे क्वांटिटी में चीजों को चुराना. देखो, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, प्लेजराइज का मतलब, पिल्फरेज का मतलब या पिलेज का मतलब. तो देखो, सारे शब्द सबसे पहले कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब चुराने से संबंधित है. पिल्फर शब्द आपने सुना होगा, पिल्फर शब्द आपने कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है ना. तो अब सबसे पहले पिलेज का मतलब क्या होता है, लूट का सामान.
हिंदी से शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी लूट का सामान है, प्रोलिफरेट मतलब बढ़ना चीजों का, इंक्रीज होना, प्लेजराइज कॉपी करना, और पिल्फरेज मतलब छोटे छोटे अमाउंट में चीजें चुराना। तो आंसर इज शुड बी डी ओनली। द राइट आंसर वी शुड चूज ओवर इज डी ओनली, पिल्फरेज। समझ रहे हो? द राइट आंसर इज दिस ओनली। ठीक है, नो समस्या, नो एवरीबॉडी, विदाउट समस्या यू गॉट द राइट आंसर, विदाउट एनी समस्या यू गॉट द राइट आंसर। तो पिलेज, अब देखो शब्द ध्यान भी रखने हैं, केवल ये नहीं है कि अप्रोप्रिएटली हमने एक आंसर देख लिया और सब कुछ खत्म, नहीं, वी हैव टू सी अदर्स एज एन ऑप्शन एज वेल। प्रियंका सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन, प्रियंका सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन, बताएं जरा। तुरंत बताने की कोशिश करें, प्रियंका सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। सबसे पहले गौर करें, प्रियंका सेड टू मी क्वेश्चन है, और देखिए नरेशन में जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, नरेशन में जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो कंजंक्शन इफ या वेदर होगा, जो कि यहाँ है। अब टेंस तो बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो टेंस बदला, कैन का कोड होगा, तो यहाँ कैन का कैन रखा, यहाँ भी वही रखा और यहाँ हटाई दिया, इसका मतलब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर हो गया सी। इसका मतलब हमें आंसर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सीधे सीधे आंसर हो गया सी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन और नॉट? दैट्स व्हाट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट्स व्हाट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना, इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, पेरीफेरी शब्द काफी इंपॉर्टेंट है ये। पेरीफेरी सुना है क्या? पेरीफेरी, हाँ जी, बताओ जरा पेरीफेरी शब्द की सही स्पेलिंग क्या होगी? क्यों पेरीफेरी इंपॉर्टेंट है? टाइम्स अप। व्हाट इज पेरीफेरी? पेरीफेरी शब्द का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? तो देखिए सबसे पहले पेरीफेरी की स्पेलिंग क्या होती है, दैट्स PERIPHERY। पेरीफेरी मतलब आउटर एज किसी भी चीज की, पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। देखिए भाई, SSC अगर 2023 आपका एग्जाम टारगेट है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और सबसे जरूरी है आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। अगर आप केवल ये वीडियो देखकर सिर्फ काम चला रहे हो कि नहीं भाई बस हो रहा है काम चलने दो, तो गड़बड़ हो जानी है, क्योंकि यहाँ हम लोग मान लो चीजों की स्टडी कर रहे हैं, या वेर एवर यू आर गोइंग यू आर स्टडिंग समथिंग, द मेन पॉइंट इज दैट यू हैव टू गो थ्रू द थिंग्स एज पर एज प्रैक्टिस एज वेल, है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, वेन एवर यू टारगेट सम एग्जाम प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। कैप्टिवेट शब्द का एंटोनिम देखो, द राइट एंटोनिम फॉर द वर्ड कैप्टिवेट, डिस्ट्रैक्ट, ऑब्सक्योर, इम्प्रिजन, रिलीज। डिस्ट्रैक्ट, ऑब्सक्योर, इम्प्रिजन, रिलीज, बताओ जरा। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? किसी को लुभाना किसी चीज के प्रति, है ना, किसी को किसी चीज के प्रति लुभाना। अब ऑब्सक्योर अस्पष्ट, तो लुभाने का ऑपोजिट क्या हो गया कि भैया उसका डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, मिल गया आंसर। इम्प्रिजन जेल में डालना, रिलीज छोड़ देना, है ना। तो कैप्टिवेट इज अट्रैक्ट, कैप्टिवेट इज अट्रैक्ट, भाई रिलीज कैसे विनीता, हाउ? हाँ, कैप्टिवेट का एक मतलब जेल में डालना भी है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अट्रैक्ट करना, मोहित करना किसी को मुख्य रूप से, वो कैप्टिविटी हो जाता है। अभी कैप्टिवेट मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है, आंसर इज डिस्ट्रैक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, एज सून एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग।
बताइए जरा, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कई सारे एग्जाम्स में इसी तर्ज पर पूछा जा चुका है, तो हमें भी उस सेगमेंट पर ध्यान देना है, बताएं। चलिए भैया, सो व्हाट इज द राइट आंसर। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, अभी भी बता दूं, होम एक एडवर्ब है और एडवर्ब और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन नहीं आता। तो एज सून एज है ना, फिर यहां से आई गायब हो गया, बाई होम होगा नहीं, तो आंसर इज ए ओनली। ठीक है, द राइट आंसर इज ए, समझ गए। ए स्पष्ट रूप से सही जवाब के तर्ज पर यहां पर काउंट ऑन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भैया, दैट्स पैराजम्बल टाइम। एक सिंपल सा पैराजम्बल है, फर्स्ट एजुकेटिंग वुमेन विमेन, ये आपका फिक्स सेंटेंस है, बाकी आपको कनेक्ट करने हैं। तो लेट्स सी कितने लोग यहाँ पर आंसर देने के इच्छुक हैं। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एजुकेटिंग वुमेन, बहुत इजी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर लेंगे आप लोग। कम ऑन, टाइम्स अप। सो एजुकेटिंग वुमेन, ऑफ वुमेन पी नहीं हो रहा, पहला पी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन गए। अब आर या क्यू, एजुकेटिंग वुमेन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन, कनेक्ट हो रहा है यार। इज एन एसेंशियल स्टेप ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, तो वुमेन थोड़ी ना स्टेप ही लेंगी। एजुकेटिंग वुमेन इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, द बेटर आंसर इज ए ओनली। लॉजिकल एंड बेटर आंसर इज ए ओनली, समझ रहे हैं सब लोग। लॉजिकल एंड बेटर आंसर शुड बी ए ओनली। क्लियर है ये बात सब लोगों को? क्लियर है ये बात सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑन दिस। नेक्स्ट, बेनेवलेंट शब्द का सिनोनिम काफी इजी है, पहन ले लेंस है ना, किसी को लेंस दिला दिया जिसको जरूरत थी, तो यू वर वेरी बेनेवलेंट टुवर्ड्स हर। फ्रेंडली चैरिटेबल अफेक्शनेट हेल्पफुल, फ्रेंडली चैरिटेबल अफेक्शनेट हेल्पफुल क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज हेल्पफुल, है ना, किसी की मदद कर दी, परोपकार है ना, किसी की मदद कर दी, दैट मीन्स परोपकार। ठीक है, परोपकार कर दिया, दैट वॉज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड ब्लैंक हर हेड, सॉरी हैंड, स्कैल्डेड स्कॉल्डेड वाउंडेड स्कॉच्ड। अब बॉइलिंग वाटर, देखो एक नया शब्द है यहां पर, स्कैल्डेड मतलब क्या होता है? जल जाना, स्कॉल्ड डांटना घाव हो जाना, स्कॉच्ड माने एकदम बहुत ज्यादा, बोलते ना चिलचिलाती गर्मी, स्कॉच्ड। तो यहाँ आंसर के रूप में स्कैल्डेड शब्द को प्रायोरिटी देंगे, दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज, है ना, स्कैल्डेड। अब देखो एक नया शब्द आप लोगों को सीखने मिला है यहाँ पर, इट शुड बी स्कैल्डेड। ठीक है, ठीक है, डिटेल में समझाया करो सर, यार ऑप्शन तो सारे बता रहा हूँ मैं, और बताओ तुम। देखियो, स्कॉल्डेड फटकार दिया, ये घाव हो गया, और स्कॉर्च जनरली हम लोग हीट, जो बाहरी सूर्य की किरणें होती है ना, तो उसके संदर्भ में स्कॉच्ड बोलते हैं। तो बॉइलिंग वाटर से जो जलना है वो स्कैल्डेड हो गया, जला हुआ है ना। तो स्कॉर्च शब्द तब रखते हैं जब हमारे सामने स्कैल्डेड नहीं होता, क्योंकि स्कॉच्ड क्या है? गर्मी से सूखा, सूखा पड़ जाना मुख्य रूप से, है ना, इतना ज्यादा गर्मी तेज थी कि भाई सूखा पड़ गया। ठीक है ना, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखने की कोशिश करें एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। क्लैंडेस्टीन शब्द की सही स्पेलिंग, क्लैंडेस्टीन मतलब छुपा हुआ, सीक्रेट किसी चीज का, हिडन पॉइंट, क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन। आंसर देखो यहां लिखा है बी, क्लैंडेस्टीन, ध्यान रखिएगा, है ना, इकलौता ऑप्शन हमारे सामने क्लैंडेस्टीन। देखो कंफ्यूज तो कर ही रहे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें एग्जामिनेशन बॉम पॉइंट ऑफ व्यू पर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। नेक्स्ट, अ जॉब कैरिंग नो सैलरी, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अभी सो रहे हैं ना, उठ नहीं पाए बेचारे, क्या करें, शादियों का माहौल चल रहा है वैसे ही,
है ना, मामा क्या शादी है, नाना क्या शादी है, मतलब एक ही बात है, तो मौसी क्या शादी है, तो सबको शादी में जाना है। एग्जाम तो सर हो जाएगा एक दिन में, क्या ही जा रहा है, उस एक दिन का इम्पैक्ट बहुत, हालांकि इफ इट इज वेरी एसेंशियल यू मस्ट अटेंड, बट इफ थिंग्स आर अवॉइडेड एंड कैन बी अवॉइडेड एट दिस एज यू शुड, बाकी तो फिर सब राधे ही है। तो एक जॉब यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती बोलते हैं ना, मतलब बिना सैलरी के काम करना है, तो उसे ऑनररी बोलते हैं। मेमेंटो इज लाइक गिफ्ट बोलते हैं ना, स्मृति चिन्ह किसी को देना, इसको मानदेय बोलते हैं, काम कम है सैलरी ज्यादा है। मेमोरेंडम इट्स लाइक एक एजेंडा जिस पर आधारित चीजें वहां पर कैरी करनी है ना, सो दैट्स मेमोरेंडम, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े, एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक करेंगे। कम ऑन, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों। देखिए मार्क्स जो है ना, उनको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट। क्या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो? देखो मैंने ये चीज कल भी एक्सप्लेन की थी, मॉक टेस्ट दो तरीके से देना चाहिए, एक सब्जेक्ट वाइज या जिसे मैं बोलूंगा चैप्टर वाइज, और एक है आपका फुल लेंथ बेस्ड। क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों पर स्पष्ट रूप से काम करोगे तभी आप एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो एग्जाम जो है ना वो मॉक टेस्ट पर बेस्ड क्यों है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में दो चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे जरूरी है, एक तो आपकी स्पीड, दूसरी आपकी एक्यूरेसी, इवन इफ यू आर टारगेटिंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन दीज डेज, राइट। अब सबसे ज्यादा गलती कहाँ हो रही है, सबसे पहले ये देखो, जैसे मान लो आप इंग्लिश सेक्शन अटेंड कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, और इंग्लिश में आप क्लोज टेस्ट का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चन सही किए, 2 गलत हुए। अब हर बार अगर 2 या 3 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप क्लोज टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, इस चीज को समझने की जरूरत है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितना हो सके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, और आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट पर यानी एसएससी प्राइम टेस्ट पैक पर लाइफ टाइम वैलिडिटी, एवरीवन, यस यू हर्ड इट करेक्ट, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस को लेकर कोई बाधा ना आए। लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है आज आज के लिए, एसएससी प्राइम टेस्ट पैक आपको आज एनरोल करना है, सीजीएल सीएचएसएल जीडी एमटीएस, इसमें सारे एसएससी के एग्जाम्स मिल जाते हैं, और सबसे जरूरी चीज ये Tier 1 Tier 2, और इसमें लेटेस्ट पैटर्न पर फुल लेंथ मॉक भी है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है, ई बुक्स भी है 300 से ज्यादा, डिटेल सोल्यूशन है। तो मैं आपको आज स्पेशली इस चीज के लिए रिकमेंड जरूर करूंगा, बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन विदाउट प्रैक्टिसिंग थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर एनीवन, ठीक है। तो आज आप लोग अपना जो भी एग्जाम इसमें से टारगेटेड है आपका, कोई भी एग्जाम आप देख सकते हो, उसके लिए सबसे जरूरी आपको एक स्पेसिफिक लेवल पर प्रैक्टिस करना है। तो Adda247 के वेबसाइट पर जाकर है ना, डिस्काउंट कोड में बता रहा हूँ Y278S लगाकर आप इस प्राइम टेस्ट पैक को 400 रुपीज के अराउंड, 10-11 रुपए ऊपर हो सकते हैं, आप परचेज कर लें और अपने प्रैक्टिस करें, और ई बुक्स भी इसमें मैंने ऐड करा दी है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एवरीवन, ठीक है। तो बातों का सिलसिला अगर खत्म हो जाए तो इस चीज पर भी ध्यान देना कि what I'm talking about, बाकी तो आप सब लोग स्मार्ट बहुत ज्यादा हैं चीजों को लेकर, ठीक है। या फिर आप सीधे एसएससी महापैक ले सकते हैं, जिसमें क्लासेस मॉक टेस्ट ई बुक सब कुछ आपको मिल जाएंगे। Y278 इज योर डिस्काउंट कोड, ठीक है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो जो भी है निर्णय तुरंत लीजिए, आगे बढ़े और स्पष्ट रूप से चीजों को लेकर चले, ठीक है। आज के सेशन को मैं यहीं रखता हूँ, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, एंड बी रेगुलर 7 बजे वाले क्लास में, और उसके बाद जो 7:45 क्लास होता है हमारा स्पोकन इंग्लिश का, उसको मिस मत कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप लर्निंग प्रॉपरली।